देखो यार, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक यूज करते हो तो आपके एयरटेल पेमेंट बैंक से कभी भी यहाँ पर 25 रुपये प्लस GST रुपये डेबिट हो सकते हैं, यानी चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पर एक नया चार्ज लाई है, जिसमें यहाँ पर सभी के अकाउंट यहाँ पर ₹25 प्लस GST यहाँ पर ₹ डेबिट हो रहे हैं। और जैसे आपको पता होगा, जब हम यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक में वॉलेट अकाउंट खोलें या फिर यहाँ पर सेविंग अकाउंट, तो हमको यहाँ पर उसमें एक वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। फिजिकल तो हम अप्लाई करते हैं तभी मिलता है, लेकिन वर्चुअल कार्ड तो सभी को मिलता है। तो अब उसी का यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक ₹25 प्लस GST रुपये चार्ज ले रही है। तो अब आपको इस चार्ज को कैसे बंद करना है, आज तो आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ₹25 प्लस GST वाला चार्ज यहाँ पर बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको अपने एयरटेल का जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे आप अपने एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कर लो कि यहाँ पर आपको अपने सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन हो जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन होने के बाद अब यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड। तो आपको इसी डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर अपना एम पिन एंटर करते हैं। तो एम पिन एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वह ओपन हो चुका है। और यहाँ से हम फिजिकल कार्ड ऑर्डर करेंगे तो उसके लिए तो चार्ज लगता है, लेकिन जो वर्चुअल कार्ड मिलता था जो फ्री है, अब उस पर भी यहाँ पर चार्ज लेने लगी है एयरटेल पेमेंट बैंक ₹25 प्लस GST। तो यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, तो आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं, यानी इसका यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर 25 प्लस GST रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस चार्ज को नहीं देना चाहते, तो आप इस कार्ड को यहाँ पर डिसेबल कर दें, ब्लॉक कर दें। तो आपको यहाँ पर इस कार्ड को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर आपको एक मैनेज का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको इसी मैनेज पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर मैनेज पर क्लिक किया, अब यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, डीएक्टिवेट कार्ड। तो आपको इसी पर क्लिक करना है, डीएक्टिवेट कार्ड। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डिसेबल। तो आपको इसी डिसेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिसेबल करोगे, आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वह ब्लॉक हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा कार्ड यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। आप इसको एक्टिवेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब धीरे धीरे सभी बैंक यहाँ पर वर्चुअल कार्ड का भी चार्ज लेने लगी हैं। जैसे अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यूज करते हो, तो उसमें तो यहाँ पर आपको ₹25 प्लस GST यहाँ पर पे करना पड़ता है, तभी आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर एयरटेल में भी यहाँ पर सेम हो चुका है, अब आपको एयरटेल पेमेंट बैंक वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए भी यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा।